की अगर बात की जाए तो बहुत जल्द कपाट बंद हो जाएंगे, 3:33 इसका वक्त बताया जा रहा है, उससे पहले श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी झूठ है, हम जब ये बात बोलते हैं तो आप में से चंद लोग गुस्से में आ जाते हैं। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे बोला, मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा वो भी झूठा। कांग्रेस अध्यक्ष के इस विवादित बयान पर विवाद बढ़ना तय है। एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं लेकिन राजस्थान और तेलंगाना में अभी बाकी है, लिहाजा बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। ये है इसीलिए मोदी झूठ है, हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं। ए प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले, अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा उन्हें भी झूठ, उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं वो करता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप लग रहा है, 4 से ज्यादा गाड़ियों को हमलावरों ने चकनाचूर कर दिया। नौगांव स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 93 के बाहर की घटना है, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। सुरेश बघेल ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था, धरने पर बैठे सुरेश बघेल और उनके समर्थक कार्यकर्ता, ये तस्वीर आपको गाड़ियों की दिखा रहे हैं, आखिर किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। क्रमांक 93 है यहाँ पे, तो बसपा प्रत्याशी हैं ग्वालियर ग्रामीण 14 विधानसभा से, तो वो मतदान खत्म होने के बाद गांव में कितनी कारणों से आए थे तो उनके ऊपर कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव करके उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ की है, इसमें उनको कोई चोट नहीं आई, गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। कितनी गाड़ी में तोड़फोड़? वो उनके काफिले में लगभग 3 गाड़ियाँ थी जिनको उन्होंने पत्थर वगैरह मार के तोड़ दिया और वो लोग सुरक्षित हैं, उनको कोई चोट नहीं। ग्रामीणों से अभी चर्चा नहीं की है, अभी इन फरियादी पक्ष को सुना गया है, इन्होंने जो घटना बताई है और हम देखते हैं तहकीकात करते हैं कि इसमें क्या तथ्य सामने आते हैं। जबलपुर से खबर, जहां कांग्रेस नेता की पिटाई का मामला सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांडे के साथ बीच सड़क पर मारपीट हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ही मारपीट का आरोप लग रहा है। मदन महल दशमेश गेट के पास ये मारपीट हुई है, बाइक पर एक महिला के साथ वो जा रहे थे, बाइक से गिराकर 6 से 7 युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब खबर श्योपुर से आ रही है, जहां डॉक्टर की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई। सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। विजयपुर अस्पताल परिसर के सरकारी आवास का ये पूरा मामला है। शुक्रवार को इलेक्शन ड्यूटी करके शाम को लौटे थे डॉक्टर, आवास के अंदर उनका शव मिला। दिल्ली मेट्रो से एक बार फिर एक युवा कपल का अश्लील वीडियो सामने आया, जो सार्वजनिक जगह पर इस तरह की हरकत से शर्मसार कर देने वाला है। मेट्रो में अश्लीलता की सारे हदें पार, मेट्रो को युवाओं ने बनाया अय्याशी का अड्डा। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर मर्यादा तार तार हुई है। इसमें एक लड़का और लड़की दोनों अंतरंग होते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इन दोनों की हरकतें ऐसी जिसे देखकर कोई भी अपना सिर शर्म से झुका ले। इसमें एक लड़का लड़की को किस कर रहा है। मेट्रो के फर्श पर बैठने की अनुमति नहीं होती, लेकिन ये दोनों बेफिक्र होकर मेट्रो के दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गए हैं।
सार्वजनिक जगह पर इस तरह का व्यवहार करना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। वीडियो में ये युवा जोड़ा चलती मेट्रो ट्रेन में लोगों के बीच अंतरंग हो रहा है। मेट्रो की सीट पर कई लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस जोड़े को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वीडियो में लड़की लड़के के गोद में लेटी हुई है। समाज, संस्कार, तहजीब किस बला का नाम है, वो भी इन्हें नहीं मालूम। हालांकि ये वीडियो कब का है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे वीडियो सामने आने से ये दिख रहा है कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सार्वजनिक जगहों पर कपल इस तरह की हरकतें बार बार क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने से अब दोनों की खूब वजीहत भी हो रही है। लोग दोनों को भर भर कर ताने मार रहे हैं। कुछ लोग इस जोड़े पर कार्रवाई की डिमांड भी कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में प्रेमी जोड़े के अश्लील वीडियो का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले भी कई मौकों पर मेट्रो में अश्लील हरकत, झगड़े और डांस का वीडियो वायरल हो चुका है। आए दिन मेट्रो में हुई अश्लीलता और आपत्तिजनक हरकतों की वजह से मेट्रो काफी चर्चा में रह रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से कई बार मेट्रो में यात्रियों से रील्स या वीडियो ना बनाने की अपील की जा चुकी है। जून के महीने में भी डीएमआरसी ने बच्चों की एक मशहूर कविता के जरिए मेट्रो यात्रियों को मेट्रो में वीडियो बनाने से बचने की सलाह दी थी, लेकिन मेट्रो की अपील का कोई असर नहीं हो रहा है। इन युवाओं ने शालीनता की सारी सीमा को पार कर दिया है, जो मेट्रो में सफर करने वाले दूसरे यात्रियों को भी असहज करता है। दिल्ली मेट्रो यहाँ की लाइफलाइन है, जिसने लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए काफी सहूलियत दी है। मेट्रो में सफर करने से समय की बचत होती है, लेकिन युवा मेट्रो का गलत फायदा उठा रहे हैं और समाज में अश्लीलता का खुला प्रदर्शन हो रहा है। वही मेट्रो से एक और कपल का वीडियो सामने आया है। हालांकि ये वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसमें भी एक लड़का और लड़की है, दोनों सीट पर बैठकर अंतरंग हो रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वहीं पर मौजूद किसी यात्री ने उनका ये वीडियो शूट कर लिया, जिसके बाद ये भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। और चलिए एक नजर डालेंगे खबरें 2020 पर। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, 2018 का आंकड़ा पार, कुल 76.22% हुआ मतदान। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में कुल 75.08% से ज्यादा मतदान। धमतरी में सबसे ज्यादा 80% वोटिंग। रायपुर में हुआ 65% से ज्यादा मतदान। फिलीपींस में 6.7 तीव्रता से भूकंप से मची हलचल। भूकंप में 6 लोगों की मौत का दावा। लापता 2 अधिकारियों की तलाश जारी। जबलपुर में कांग्रेस की पूर्व